फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अपने दो सकुलेंट के प्लांट रिपोर्ट करने वाली हूँ। एक तो मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ इसमें कौन सा हैंगिंग बास्केट में लगा दूँ। ये वैसे काफ़ी अच्छा हेल्दी हो चुका है और कटिंग से लगे हुए मेरे सकुलेंट है ये, और हेल्दी तो ये भी हुआ है। थोड़े से स्नेल ने इसके पत्ते खा लिए थे तो मैंने उनको हटा दिए हैं, और साथ में एक मैंने इलास्टियर का प्लांट है तो इसको भी रिपोर्ट करूँगी। इसकी जो मतलब गमले में अच्छे से था नहीं तो मैंने इसको निकाल लिया है। इसको मैंने दो दिन से बाहर रखा था, दो तीन दिन से बाहर निकाल के रखा हुआ है, और आज मैं इसको भी लगा दूंगी। तो इसको तो मैं छोटे से पॉट में इसी में लगाऊंगी। ये देखिए मिट्टी का पॉट है, इसी में लगाऊंगी। और इनमें से दो को मैं एक हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी और एक को मैं इसी में रहने दूंगी। तो इस तरह से, तो इसके लिए देखिए मैंने पॉटिंग मिक्स क्या लिया है। यहाँ पर एक पार्ट कोकोपीट है, एक पार्ट पत्तों की खाद है, एक पार्ट सैंड है और एक पार्ट राइस हस्क है, एक चम्मच फंगीसाइड पाउडर है, एक चम्मच ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो इतनी चीज़ें अभी मैं मिला रही हूँ इसमें, और कुछ खास नहीं मिला रही हूँ, और इतना काफ़ी है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पॉटिंग मीडिया बन के तैयार हो गया है। राइस हस्क की वजह से काफ़ी वेलड्रेन सॉइल बन गया हमारा, और पत्तों की खाद जो होती है वो भी पानी को ज़्यादा रुकने नहीं देता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा, तो इसलिए हमने इसको लिया। साथ में लाइट वेट भी है दोनों चीज़ें, और सिर्फ सैंड है थोड़ी मात्रा में, तो सैंड से बहुत ज़्यादा वेट नहीं होगा। इसके बाद मैं देखिए यहाँ नीचे का जो पार्ट मैंने थर्माकोल के टुकड़ों से इसको भर दिया है, और इस पर मैं इस तरह से भर के, इतना भर दिया। बहुत ज़्यादा हमको इसमें भरना भी नहीं है क्योंकि रोड्स इनकी उतनी जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा वो करने की दिक्कत नहीं है, इसमें अच्छे से ही चलेगा मेरा प्लांट। तो इतना मैंने भर दिया, इसके बाद मैं प्लांट को निकालती हूँ। तो आपको खींच करके नहीं निकालना, आप इस तरह से गमले को उल्टा कर लीजिए और दो उंगलियाँ यहाँ पर लगा लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा ठोंक करके कहीं पर किसी भी गमले में या फिर किसी भी जगह पर। एक मिनट, मैं दोनों हाथ से निकाल लूँगी आराम से इसको, फिर दिखाती हूँ आप। तो देखिए बिल्कुल खींच करके आपको प्लांट को नहीं निकालना है, आप इस तरह से उल्टा करके इसको निकाल लीजिए और थोड़ा सा कहीं पर ठोंक देंगे किसी गमले के ऊपर रख करके इसको किनारे, जैसे इसके किनारे को आप इस तरह से ठोंक देंगे तो ये निकल जाएगा आसानी से। पत्तियां डैमेज नहीं होनी चाहिए हमारी। ये देखिए सिर्फ सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में लगा था, तो अभी हमारा प्लांट निकल गया है। और देखिए रूटिंग कितनी ज़्यादा बढ़िया हुई है, बहुत बढ़िया रूटिंग हुई है इसकी, और प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी है। तो बस इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बस इस तरह से इसको मैं इसी पॉटिंग मीडियम में रख करके और लगा दूँगी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है ये हैंगिंग बास्केट में। तो इसी तरह से लगा करके सीधा करके इसको अच्छे से सीधा करके, और इसके चारों तरफ से मिट्टी भर देनी है। तो नीचे देखिए होल में हमने ये ठीकरी रख ली है इस तरह से, और अब हम इसमें ये पॉटिंग मीडिया भरेंगे। इतना भर दिया, अब इसको प्लांट को रखेंगे। और ये कलंचो बेबी पांडा प्लांट है ये, और दो साल से मेरे पास है, मतलब इसका एक छोटा सा प्लांट था मेरे पास, उसी की कभी कटिंग बच जाती है तो कभी प्लांट ही बच जाता है। तो ये देखिए प्लांट ही पूरा इस बार बच गया है, और कटिंग के लायक है ही नहीं क्योंकि इतना छोटा सा प्लांट है कि ये ज़्यादा बढ़ा ही नहीं। अब देखते हैं इस साल शायद इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, मतलब जहाँ पर ठंडे क्लाइमेट होते हैं ना वहाँ पर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत अच्छे बिल्कुल बुशी से प्लांट बन जाते हैं। अभी मैंने इसकी थोड़ी सी ऊपर की पिंचिंग भी कर दी है, शायद ये साइड ब्रांच निकालेगा तो घना हो जाएगा फिर प्लांट। तो इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको लगा दिया। देखिए तो ये देखिए दोनों प्लांट हमारे लग गए बहुत अच्छे से। अब इनको चलिए पानी दे देते हैं थोड़ा सा। तो और बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत ही ये हल्का सा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये। तो आप भी जो आपके प्लांट इस तरह से अच्छे बड़े से प्लांट हैं, आप उनको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक सीडम की भी बास्केट तैयार कर ली है और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। मैंने कटिंग ही लगाई थी लेकिन अब इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी, ये इसी में लगा रहेगा। कोकोपीट और सैंड के ही मिक्सचर में लगा हुआ है। तो मीडिया तो थोड़ा मतलब ठीक है, इनके लिए काफ़ी अच्छा है, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। पर जो मैंने मीडिया अभी बनाया है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। तो
बाद में देखूंगी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई इसमें तो मैं रिपोर्ट कर लूँगी इनको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करूँगी, अभी इसी में चलने दूँगी, क्योंकि सीडम की वैरायटी काफ़ी हार्डी होती है और ये आसानी से कोकोपीट और सैंड में भी चल जाती है। इसमें बस पानी का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, लगभग हफ्ते 15 दिन में एक बार पानी दीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस रूट के पास थोड़ा सा डाल देंगे। और ये देखिए इस तरह से इतना पानी काफ़ी है अभी के लिए फ़िलहाल, और इसको भी थोड़ा सा दे देंगे पानी। तो ये देखिए हमने दे दिया पानी इनमें अच्छे से, और बस इनको अभी 2-3 दिन छाया में रखेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप इनको मिले, तो ये और ज़्यादा हेल्दी और बूसी बनेंगे प्लांट हमारे, काफ़ी ज़्यादा थिक होंगे और इसमें तो साइड से इतनी सारी ब्रांचेस भी।